गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको क्लास एट का चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन बताऊंगी, जिसका नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर पी बाय क्यू और फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होती है? नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर की आज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में क्या वैल्यू? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन। एडिशन में क्या होता है? जब किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें अगेन क्या मिलता है? रैशनल नंबर मिलता है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 1/2 + 2/6 करेंगे, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा और फिर क्या आएगा? 5/6। ये किसकी फॉर्म में है? पी बाय क्यू की, और ये क्या है? रैशनल नंबर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? जब किसी भी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? दोबारा क्या मिलता है? रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देखिए, 2/6 - 1/6, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया? 6, और ये किसकी फॉर्म में है? पी बाय क्यू की फॉर्म में है, और क्या है? रैशनल नंबर है। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? जब किसी भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अगेन क्या मिलता है? रैशनल नंबर मिलता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, 1/12 × 3/2, तो क्या आएगा? 3/24। ये किसकी फॉर्म में है? 3/2 की, और ये क्या है? रैशनल नंबर है। उसके बाद देखिए डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है? जब किसी भी दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अगेन रैशनल नंबर मिलता है। इसका एग्जांपल देखिए, 1/4 / 12/4, किसकी फॉर्म में है? ये पी बाय क्यू की, और ये क्या है? रैशनल नंबर। Thank you. Have a nice day.